जय भवानी दोस्तों, खम्मा गनी और स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ व्हिस्की के हेरिटेज एपिसोड में। और हमारी जो दोस्तों आज स्पेशल गेस्ट है वही इस एपिसोड को हेरिटेज बनाती है। एंड ऑल्सो वी हैड कम्प्लीटेड 15,000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, तो हमारी जो फैमिली है वो बढ़ रही है प्यार के साथ, विश्वास के साथ। और उसी प्यार और विश्वास के अंदर मिठास बढ़ने के लिए जो विस्की आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो है शाही गुलाब प्रीमियम रोज विस्की फ्रॉम द हाउस ऑफ महारानी महानसर। तो चाले चाले पानी नी पानी यार सा जावा जावा पी वरने या तो चा। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, और दोस्तों इस विस्की की जो हिस्ट्री है दैट इज जस्ट वाओ। अब देखिए दोस्तों, हम हमेशा भागते रहते हैं फॉरेन विस्की की तरफ। किसी को टेनेसी विस्की पसंद है, किसी को स्कॉच, किसी को आयरिश, किसी को बर्बन। अगर हम लोग पार्टी में भी बैठे हैं तो हर आदमी का एक अपना अलग स्वैग होता है, स्वैग रिगार्डिंग लाइकिंग की हे ब्रो आई जस्ट लाइक द सिंगल मॉल्ट, आई जस्ट लाइक द बर्बन। बट दोस्तों, जैसे स्कॉटलैंड फेमस है स्कॉच विस्की के लिए, वैसे ही हमारे इंडिया का अपना खुद का एक स्कॉटलैंड है, अ प्लेस इन राजस्थान विच इज़ कॉल्ड महानसर। वहाँ पे जो रॉयल फैमिलीज है उनके पास रेसिपीज है, और वह रेसिपीज जितनी स्कॉच विस्कीज पुरानी है उतनी ही वो पुरानी है या फिर उनसे भी ज़्यादा पुरानी है। और उन्हीं रेसिपीज से बनी हुई एक विस्की है शाही गुलाब, जिसको मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए अब जल्दी से इस विस्की को ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप लोगों से इंतज़ार नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्लास के अंदर हमने विस्की डाल ली है, और सबसे पहले जो हम बात है वो बात कर लेते हैं कलर की। कलर इस विस्की का जो है वो यही वाला कलर है जो रोज़ का कलर है, पिंक कलर है, पिंक कलर ही इस विस्की का है। और जल्दी से नोजिंग चेक कर लेते हैं कि आखिर नोजिंग क्या बोल रही है इस हेरिटेज विस्की की। रोज, जैसा कि दोस्तों जो इसका बेस है विस्की का वो रोज़ है, तो रोज़ के बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर मेरे को महसूस हुए हैं नोजिंग के अंदर। और सबसे अच्छी बात है ये हेरिटेज विस्की की कि जैसे ही आप इस विस्की को इनहेल करेंगे तो आपको एक बहुत ही प्लेजेंट जो नोट्स से मिलेंगे, और वो प्लेजेंट नोट्स आपके दिमाग को ग्रीन सिग्नल देते हैं कि यार ये विस्की बहुत बेहतरीन है। तो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाती है, बिकॉज जो आरोमा है, जो फ्रेग्रेंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी विस्की के लिए, किसी भी ड्रिंक के लिए। तो इस चीज़ के अंदर तो मतलब ए प्लस नंबर देना चाहूँगा इस विस्की को मैं। और इसके अलावा थोड़े बहुत बहुत जिसे कहते हैं कि माइल्ड मेरे को नोट्स मिल रहे हैं स्पाइसेस के भी, और थोड़ा बहुत मैं इसको रिजेंबल कर सकता हूँ गुलकंद के साथ, बिकॉज गुलकंद मेरे को पसंद है और एक गुलकंद का फ्लेवर भी मेरे को इस विस्की के अंदर से आया है। अगेन रोज। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको नोजिंग के टाइम बताया था कि यार मेरे को रोज़ के बहुत अच्छे नोट्स आए हैं, वैसे ही जब मैंने इसको टेस्ट किया तब इसके अंदर प्रोमिनेंट फ्लेवर मेरे को रोज़ के मिल रहे हैं। रीज़न हमें सबको पता है कि यार इसका जो बेस है वो रोज़ ही रखा गया है। और थिंग इज दैट दोस्तों, जब मैं इसको ड्रिंक कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सीरियसली मतलब मेरे ग्लास के अंदर इस रोज़ के जो पेटल्स हैं वो रख दिए गए हैं, बिकॉज जो फ्रेग्रेंस है, जो आरोमा है, सीरियसली वाओ, एक ही वर्ड कहना चाहूँगा मैं वाओ। उसके अलावा हल्के से स्पाइसेस का मेरे को इसके अंदर से फ्लेवर महसूस हो रहा है। आई एम नॉट श्योर बट मे बी मोस्टली हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को स्पाइसी लगा मेरी टंग के ऊपर, थोड़ा बहुत मेरा टंग है उसने टिंगल करा, तो मेरे को लगा कुछ ना कुछ स्पाइसी तो है इसके अंदर, मे बी शायद वो स्पाइसीज मोस्टली हो सकती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत मेरे को जो ड्राई फ्रूट्स है उसका भी फ्लेवर महसूस हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक फुल पैकेज है जो आपके लिए प्रेजेंट किया गया है, रेसिपी हेरिटेज है जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, बट इतने सारे फ्लेवर्स, और जब आपको ड्रिंक कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है इंडिया में एक प्रॉब्लम और है बिटरनेस वाली, मतलब ये ना तो विस्की इतनी बिटर है, सेकेंड चीज़ ओवर पार्क भी नहीं है। कई लोगों को लगता है कि यार
ठीक है यार हेरिटेज व्हिस्की तो और पार्ट भी बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होएगा जब आप ग्लास को लेंगे रोटेट करेंगे अपने हाथ के अंदर, तो आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होएगा कि यार और पार्ट व्हिस्की है। बहुत ही बेहतरीन व्हिस्की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस रेसिपी को डिलीवर किया गया है आप लोगों के लिए। अब देखिए यार, पुराने टाइम में ये व्हिस्की बनती थी रॉयल फैमिलीज के लिए, बट अब आप लोगों के सामने भी, आप लोगों के पास भी ऑप्शन है, तो जब भी आप राजस्थान आ रहे हैं ना, तो मैं तो यार सजेस्ट करूंगा कि इस व्हिस्की को बिल्कुल ट्राई करें आप। बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, और दोस्तों जो मेन इंग्रेडिएंट है इस व्हिस्की के लिए वो है रोज, और रोज राजस्थान में सबसे ज्यादा होते हैं पुष्कर में, होली लैंड है यार पुष्कर। और बात क्वांटिटी की नहीं, बात है क्वालिटी की, क्योंकि पुष्कर डिलीवर करता है क्वालिटी ऑफ रोज। और प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसेस ये रहता है कि मॉर्निंग के अंदर रोजेस तोड़े जाते हैं, इवनिंग तक वो डिस्टिलरी पहुंच जाते हैं, वहां पे डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, 15 डेज तक रहता है। उसके बाद जो डीमिनरलाइज वाटर है, ग्रेन बेस्ड न्यूट्रल स्प्रिट है, उसके साथ इस विस्की को तैयार किया जाता है और उसके बाद डिलीवर करा जाता है आप लोगों को। तो आप समझ लीजिए कितना फ्रेशली इन लोगों का प्रोसेस है इस विस्की को बनाने के लिए, और जब आप इस विस्की को ड्रिंक करेंगे ना, तो आरोमा ही ये सारी कहानी आप लोगों को बता देगा। बात करते हैं प्राइस की, प्राइस इस विस्की की है राजस्थान में 470 रुपीज़। अब आप लोग बोलेंगे यार बहुत ही सस्ती विस्की तो अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि सस्ती है विस्की तो अच्छी नहीं है। थिंग इज दैट राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसको प्रमोट करने के लिए इस पर जो टैक्सेशन है वो कम कर दिया, पहले इसकी प्राइस ज़्यादा थी, तो आप समझ लीजिए गवर्नमेंट भी प्रमोट इसको कर रही है, हेरिटेज विस्की है। और बाकी जब आप इस विस्की को ड्रिंक करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे, अल्कोहल बाय वॉल्यूम है इस विस्की का 37.5%, और जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है उसका नाम है शेखावटी हेरिटेज हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पे फिनिश होता है हमारा रिव्यू ऑन दिस लेजेंड विस्की। एक बात और दोस्तों कि ये वाली जो विस्की है ये लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, बिकॉज ऑफ इट्स कलर, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर, बिकॉज ऑफ इट्स आरोमा, बट इट डजंट मीन कि कोई पर्टिकुलर जो जेंडर है उसको टारगेट करके इस विस्की को बनाया गया है। मतलब एनीवन कैन हैव इट, आप भी पी सकते हैं, मैं भी पी सकता हूँ, कोई भी पी सकता है। बट थिंग इज दैट दोस्तों, जब आप इस विस्की को पियेंगे, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आप रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इतनी बेहतरीन विस्की है ये। और एक अपडेट देना चाहता हूँ मैं दोस्तों आपको, कमिंग वीक में मैं और भी हेरिटेज विस्कीज का रिव्यू करने वाला हूँ, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ व्हील्स ऑफ विस्की के साथ बने रहना है। तब तक आप और मैं एंजॉय करते हैं हमारे ड्रिंक को, चीयर्स और घने का मस्त।